गुड आफ्टरनून एवरीवन। महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लाइव वेबिनार में मैं स्नेहा कामले आप सभी का स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 2006 से एमएसएमई के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म के तहत काम करती है, जिसमें आपको एमएसएमई फंडिंग, एमएसएमई सब्सिडी, टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी फॉर एमएसएमई टेक्नोलॉजी, इन सभी का समावेश है और इन सभी मुख्य क्षेत्रों के लिए मीडी अपना योगदान प्रदान, अपनी सेवाएं प्रदान करती है। मीडी ने टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग के तहत आप सभी के लिए लाइव वेबिनार आयोजित किया है, जिसमें आपको न्यू बिजनेस के लिए आइडियाज मिलेगी और न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें लैंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, फैक्ट्री शेड, प्लांट एंड मशीनरी, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल सोर्सेस, वर्किंग कैपिटल फॉर डे टू डे फैक्ट्री ऑपरेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर योर एमएसएमई नीड, इन सभी का समावेश होता है। इतना ही नहीं तो इसके साथ ही न्यू बिजनेस स्टार्टअप के लिए लगने वाले लाइसेंस के लिए भी मीडिया आपको मदद करती है, जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार, पॉल्यूशन कंट्रोल, FSSAI, FDA, इन सारे लाइसेंस के लिए मीडिया आपको मदद करती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर हमारे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि मीडिया कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है और आइए शुरू करते हैं हमारे लिनो बैग लाइव वेबिनार को। थैंक यू। के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मीडी यानी कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना 2006 में हुई। हमारी कंपनी ने 15 साल के अवधि में अलग अलग बैंक सहायता सेवाओं और वित्त फैसिलिटीज में खुद को बहुत्तम बनाया है। विशेष रूप से भारत में सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े स्तर के उद्योग में खुद को अग्रेसर बनाया है। तो चलिए देखते हैं मीडी कौन कौन सी सर्विसेज देने में सफल हो रही है। बिजनेस स्टार्टअप आइडियाज। मीडी ने लोगों को नए नए बिजनेस आइडियाज संपन्न करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल दिखा रही है। हमारे कंपनी में लोगों के जरूरत के अनुसार उन्हें मशीन्स की सारी जानकारी दी जाती है। मशीन्स के साथ ही अगर उन्हें फाइनेंस रिलेटेड भी कुछ जरूरत होगी तो मीडी उसमें भी अपनी सहायता देती है। लोगों के जरूरत के अनुसार कम से कम समय में इंफॉर्मेशन उन्हें बताने के लिए मीडी सक्सेसफुल हो रही है। डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। मीडी ने बहुत सारे डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में सभी क्षेत्र के लोगों को उपयुक्त जानकारी दे के उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया जाता है। इन सर्विसेस में सभी क्षेत्र के लोगों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके देने में मीडी सफल हो रही है। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में मीडी ने मोबाइल रिपेयरिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क, उसके साथ ही इलेक्ट्रिक वस्तुओं का रिपेयरिंग, ऐसे बहुत से कार्यक्रमों का समावेश है। हमारे इस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रक्रिया में लोगों को चुनौतियों का सामना करने के लिए, हर क्षेत्र की जानकारी हासिल करने के लिए, साथ ही लोगों को संसाधनों से जुट कर उन्हें सक्षम बनाने में मेंटरिंग का काम कर रही है। बैंकिंग एंड फाइनेंस। हमारी मीडी के बैंकिंग एंड फाइनेंस क्षेत्र में कई नेशनलाइज एंड प्राइवेट बैंक्स जुड़ी हुई है। बैंकेबल प्रपोजल एंड डॉक्यूमेंट्री वर्क जो कि बैंक संबंधी हो, इन सर्विसेज में भी मीडी मदद करती है। हमारे यहाँ सिक्योर एमएसएमई लोन, अनसिक्योर एमएसएमई लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, ऐसी कई सर्विसेज में भी मदद की जाती है। कस्टमर्स के वर्क ऑर्डर को अगर बैंक गारंटी की आवश्यकता हो या कस्टमर के बैंक गारंटी को कैश क्रेडिट में लिक्विडेट करना हो तो यह महत्वपूर्ण प्रोसेस में भी मीडी अपना योगदान दे रही है। बिजनेस लाइसेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके साथ ही गवर्नमेंट सब्सिडीज, ये प्रोसेस में भी मीडी काम करती है। okay.
एमएसएमई सपोर्ट स्कीम। हमारे मीडी के एमएसएमई सपोर्ट स्कीम में गवर्नमेंट परचेज स्कीम, रॉ मटेरियल असिस्टेंस, मार्केट डेवलपमेंट स्कीम, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, स्टेट सब्सिडी स्कीम, आईएसओ सब्सिडी स्कीम, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम फॉर टेक्सटाइल, क्रेडिट रेटिंग, बार कोडिंग, ऐसी कई सर्विसेज में भी योगदान दिया जाता है। CSR सपोर्ट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी मीडी का योगदान रह चुका है। इसमें मीडी ने इंडियन रेलवे के साथ रिसेटलमेंट हुए लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें महिलाओं के लिए फैशन डिजाइनिंग के कोर्स का आयोजन किया था और पुरुष वर्ग के लिए फोर व्हीलर मोटर ट्रेनिंग का आयोजन किया था। वैसे ही राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के साथ भी मीडी काम कर चुकी है। SME समिट। हमारे इंस्टीट्यूट ने लोगों के लिए अभी तक बहुत सारे सेमिनार का आयोजन किया है, जो कि अलग अलग जगह आयोजित किए गए हैं। इन सेमिनार में नेशनलाइज बैंक, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल कॉरपोरेशन, ऐसे कई सेक्टर्स का समावेश होता है, जो उनके क्षेत्र में उपलब्ध फैसिलिटीज, उद्योग क्षेत्र के लिए रहने वाले जमीन, चालू नियमों के अनुसार लगने वाले लाइसेंस, इंफॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों का अपडेट दिया जाता है। टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मीडी कंपनियों की व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा करने और जागतिक वातावरण में उत्पादकता और प्रॉफिट को बढ़ाने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए नए विचार और नई टेक्नोलॉजी मीडी प्रदान करती है। मार्केट से आधुनिक और नई टेक्नोलॉजी प्रदान करना और प्रतिस्पर्धी मार्केट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, यही मीडी की खासियत है। नई टेक्नोलॉजी को संपादन करना और जागतिक स्तर पर उसे स्थलांतरित करने का काम मीडी करती है। स्थायी उपजीविका और रोजगार के अवसरों का सृजन करने का काम मीडी करती है। नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान उत्पाद और प्रक्रिया उद्योगों में स्थानांतरित करना देश के विकास में योगदान करने का काम मीडी करती है। उत्पादकता में सुधार और कठिन परिश्रम को कम करने का काम मीडी करती है। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए दोनों वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या नंबर पर संपर्क कर सकते हो। चलिए अभी चालू करते हैं हमारा ऑनलाइन वेबिनार। शिल्पा मैम, आप स्टार्ट कर सकते हो आपका ऑनलाइन वेबिनार। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो अभी लिनो बैक मशीन के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, जो कि लिनो बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपने जो मीडी की सारी इंफॉर्मेशन देखी है, तो लास्ट 10 ईयर से तो हम मीडी के साथ कनेक्ट है, उनका अच्छा एक्सपीरियंस भी है, आपको भी आएगा। आप जरूर उनको कांटेक्ट कीजिए, बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको वो देंगे। तो अभी मैं आपको लिनो बैग मशीन के बारे में बताऊंगी। तो अभी जैसे कि आपको मैं पहले बताना चाहूंगी कि लिनो बैग और पीपी बैग क्या है। अभी ये जो हम देख रहे हैं, ये लिनो बैग है जो ऑनियन वेजिटेबल्स इसके लिए यूज होता है, और ये जो आती है ये पीपी मटेरियल की बैग है, जो आटा गोनी, फर्टिलाइजर, कैटल फीडर, जो धान्य के लिए यूज होता है, उसके बाद शुगर मिल में सीमेंट बैग इसके लिए यूज होता है। तो ये दोनों भी बैग एक ही मशीन पे निकलती है। अभी इसके लिए जो रॉ मटेरियल रहता है वो लिनो का रोल आता है, या पीपी के लिए पीपी का रोल आता है। तो अभी इसके यूजेस वगैरह ये तो मैंने सारे आपको बता दिए। अभी जो मैं आपको मशीन के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, वो आप ध्यान से देखिए कि आपको पूरा मशीन का लाइव डेमो में देने वाली हूँ।
कि मशीन में वर्क कैसे होता है, बैग कैसी कट होती है, कैसे सिलाई होती है, कैसे कलेक्ट होती है। तो अभी स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये बेसिक सेटअप लगाने के लिए आपको एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, उसके बाद में एक 5 HP का कॉम्प्रेसर और एक मैनुअल सीविंग मशीन, ये 3 मशीन आपको कंपलसरी है एक बेसिक सेटअप के लिए। उसके बाद में उसका एडवांस स्टेज ऐसे जाता है कि आपको अगर प्रिंट भी करनी हो तो प्रिंटिंग के लिए आपको 3 कलर प्रिंटर, 2 कलर प्रिंटर, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा प्रिंटर चाहिए। तो अभी मैं जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देती हूँ, उसका लाइव डेमो बताती हूँ। अभी ये जो मशीन आप देख रहे हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, ये देखिए, ये आपने जो देखा है यहाँ पे ये रोल लगा हुआ है। अभी ये लीनो का रोल है, ये आपको रॉ मटेरियल महाराष्ट्र, ये नॉर्मली आपको 200 kg या 250 kg इस हिसाब से आपको रॉ मटेरियल मिलता है। तो अभी इसके रेट मार्केट में 160 per kg के हिसाब से आगे तक रहते हैं, कहीं 170 मिलता है, कहीं 175 मिलता है, तो डिपेंड्स उसकी क्वालिटी के ऊपर भी। अभी ये जैसे ये मशीन को रोल लगाया है, ये यहाँ पूरा कटिंग तक का है, यहां से कटिंग से डायरेक्ट आगे जाती है, ये सीविंग मशीन है। यहाँ पे ये कटर होता है छोटा, जहां पे बैग अलग होती है, ये थ्रेड्स होते हैं जो सीविंग के लिए लगते हैं। और यहाँ पे बैग कलेक्ट होती है। तो अभी हम मशीन का वर्किंग देखेंगे। ये देखिए, जैसे कि आपको पैनल में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हम बैक का स्पीड कितना चाहिए वो सेट कर सकते हैं, लेंथ कितनी चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं, विड्थ कितनी चाहिए, दो बैग में कितना गैप चाहिए, ये सारी आपको ट्रेनिंग जब आप मशीन परचेस करते हैं, आपके यहाँ पे मशीन आता है उसके बाद में आपको 2 दिन की पूरी ट्रेनिंग हमारी तरफ से आपको दी जाती है। तो अभी हम मशीन स्टार्ट करेंगे। ये पूरी बैक कट होके ऑटोमेटिकली स्टिच हो रही है। ये देखिए फाइनल में बैग यहाँ पे कलेक्ट होगी।
अभी इसमें कैसे कि जैसे कि लेबल भी करते हैं बैक की बॉटम में वो स्टिच के साथ जो लेबल किए जा सकती है कि मार्केटिंग के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये हमने एक सैंपल निकाला है, ये देखिए ये इसी के साथ ऐसे स्टिच होता है। तो ये आपको कहाँ पे लगाना पड़ता है, हमने ये जो मशीन का पार्ट देखा कि यहाँ पे जो बैक कट होती है, ये बैक कट होने के बाद वो आपको बैक के ऊपर यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखने के बाद वो डायरेक्टली फोल्डर के नीचे जाके यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टिच हो जाएगा। तो अभी ये आपने देखा फुल्ली ऑटोमेटिक लिनो बैग मशीन। तो अभी इसके साथ जो मैंने आपको और दो मशीन बताया कि जो भी मैन्युअली है, मैन्युअली सीविंग मशीन, जैसे कि आपने ये टेबल देखा, इसको वही सेम सीविंग मशीन यहाँ पे ऊपर लगाया जाएगा और ये मैन्युअली वर्क करेगा यहाँ पे। अभी लिनो बैग जो होती है, तो लिनो बैग के लिए ऊपर जो हमें स्टिच करनी पड़ती है, तो वो स्टिच करने के लिए मैनुअल मशीन का यूज किया जाता है। और आपको जो मैंने बताया 5 HP कंप्रेसर, तो ये होता है। तो ये आपको जस्ट एक बेसिक सेटअप के लिए इतने 3 मशीन की जरूरत पड़ती है। अभी इस पे जो मशीन आएगा वो सेम यही होगा जो आपने ये ऑटोमेटिक मशीन को देखा है। तो अभी ये बैग बनाने का पूरा प्रोसेस आपने देख लिया। अभी मशीन्स तो हम खुद ही बनाते हैं, आपने अगर ये यहाँ पे देखा तो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट है। अभी ये देखिए आपने जो मशीन का ये स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर बनाने का काम चल रहा है। पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। स्ट्रक्चर बनाने का काम होने के बाद इसको पाउडर कोटिंग करके यहाँ पे इसकी ये असेंबली चल रही है। तो अभी मशीन परचेस करने के बाद आपको पूरा इंस्टॉलेशन, सर्विस, ट्रेनिंग ये सब हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी बैक के साइज भी मैंने जो आपको पैनल में बताया, बैक के साइज, तो बैक के साइज हम चेंज कर सकते हैं। उतने विड्थ का आपको सिर्फ रोल डालना पड़ेगा। अभी आप अगर देखेंगे कि ये जो बैग है जो हमने अभी मशीन से निकाली, तो वो 22 का रोल था, तो अभी ये 50 kg की बैग है, 22/40 की। तो अभी 22 की बैग निकालनी है तो हमें 22 का रोल लगाना पड़ा। तो सेम इसमें मशीन में 5 kg से 50 kg तक पूरी बैग निकलती है। तो जैसे आपने ये देखा, अभी ये छोटी बैग है 5 kg, ये दूसरी है 10 kg। तो इस तरीके से ये सारी बैग इसमें मैन्युफैक्चर होती है। तो मशीन को लेके किसी को कुछ डाउट या कुछ पूछना है या कुछ ज्यादा जानकारी के लिए आप मीडिया वालों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका रॉ मटेरियल किधर मिलता है? हेलो, हाँ मैम, तुमचा आवाज म्यूट झाला होता, परत एकदा आंसर करा। हाँ, रॉ मटेरियल के लिए आपको कैसे कि आप जब हमारे कंपनी में विजिट करेंगे तो उसके कॉन्टेक्ट हम आपको देंगे। रॉ मटेरियल का कोई इश्यू नहीं, उसका फुल सपोर्ट मिलेगा हमसे। रोल कितना मीटर लंबा रहता है मैडम? सर वो पूरा केजी में आता है, जैसे कि आपने अभी देखा जो लिनो का रोल था, मैं आपको दिखाती हूँ फिर से। अभी ये जो लिनो का रोल है, KG इसकी लंबाई नहीं बता सकते क्या? मतलब 250 केजी में कितना लंबा आता है, कितने बैग्स बनते हैं उसमें? नहीं, उसमें बैग्स का कैसे सर कि जैसे अभी हमने 40 ग्रामेज की अगर मटेरियल पकड़ा,
40 ग्रामेज में अगर 1 केजी में कितने बैग्स निकालने हो, तो 1 केजी में आपको 25 बैग निकलेंगे 50 केजी के हिसाब से। मतलब 50 केजी की जो बैग रहती है, जैसे कि आपने, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये 50 केजी की बैग, ये इतनी बड़ी। तो अभी 40 ग्रामेज के मटेरियल में अगर हम 1 केजी में कितने बैग्स निकलेंगे, तो ये 25 बैग निकलेंगे। और 250 रुपीस केजी का रेट है उसका? नो, उसका रेट 160 से आगे रहता है। 250 केजी उसका वेट है रोल। मैडम उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना ज्यादा है? प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे है सर, कि अभी आप अगर देखेंगे तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर डायरेक्टली अगर आप जाएंगे तो आपको 2.5 रुपए एक बैग के पीछे प्रॉफिट पड़ता है, एक बैग के पीछे। और उसमें कैसे रहता है कि जैसे हम मैन्युफैक्चरर रहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से आप मिनिमम 1 रुपीज पकड़ सकते हैं, मिनिमम 1 to 1.5। क्योंकि कैसे रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेलर तक कभी आप होलसेलर को भी दे सकते हैं या डायरेक्टली रिटेलर को भी दे सकते हैं, तो इसके हिसाब से 2.5 रुपीज तो फिक्स है इसमें। डायरेक्टली अगर आप रिटेलर को सेल करेंगे तो कितने परसेंट मिलेगी इसके ऊपर? हेलो, सॉरी, मशीन की गारंटी वारंटी आते का मैडम? हो, आते मशीन की गारंटी वारंटी भी रहती है कंपनी की तरफ से, 1 साल की रहती है। जो भी अपने मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह है तो उसकी पूरी कंपनी की तरफ से गारंटी वारंटी 1 साल की रहती है उसकी। या और आपको कंपनी की तरफ से सर्विस वगैरह वो भी फुल प्रोवाइड की जाती है। मैडम का कॉस्ट कितनी है मशीन की, टोटल कॉस्ट? मशीन की कॉस्ट आप देखेंगे तो 13.5 लाख फुली ऑटोमेटिक मशीन। अभी आपने जो ये मशीन देखी है, ये पूरी मशीन 13.5 लाख है। फाइनल में जब आप आएंगे तब फाइनल में और आपको डिस्काउंट वगैरह जो भी हो वो हो जाएगा। और आपको जो मैंने ये मैनुअल मशीन दिखाई थी हेड के साथ, टेबल, उसकी मोटर, हेड वगैरह सब, वो 75,000 तक जाती है। और ये जो कॉम्प्रेसर है 5 HP, तो ये कॉम्प्रेसर भी आपको 75,000 तक आता है। सॉरी, विद जीएसटी रहता है क्या मैम? विदाउट जीएसटी आपको इसके साथ 18% जीएसटी एक्स्ट्रा आता है। प्रॉफिट मार्जिन 2.5 रुपीज है इसमें? हाँ है ना, आप जब इनको कांटेक्ट करेंगे ना आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन का सब डिटेल भी मिल जाएगा। लोकेशन कहाँ पे? नासिक में इसका फैक्ट्री का? नासिक में है ना सर, यही पे अपना सातपुरे मेडिसिन में। डिटेल्स बताओ मैम। आप मीडिया वालों को भी कांटेक्ट करेंगे ना, वो हमारी डिटेल्स या मेरा नंबर आपको दे देंगे। आप एक बार उनको कांटेक्ट कीजिए, वो सारी डिटेल्स हमारी कंपनी के आपको शेयर करेंगे। आप फिर क्या नाम है कंपनी का? सॉरी सर, कंपनी का नाम? प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी सातपुर। हो, बरोबर। मैम ये पीपी बैग से कैसे? पीपी बैग रॉ मटेरियल से कैसे असता? पीपी बैग का रॉ मटेरियल आपको मार्केट में 110 रुपीज, मतलब 110 रुपए केजी के हिसाब से आगे मिलता है, मिनिमम 110 रुपीज। तो वो रोल भी आपको 150 किलो, 200 किलो इस हिसाब से ही मिलेगा। रॉ मटेरियल आपको केजी में ही मिलेगा मार्केट में। मैम जो हेलो पीपी बैग म्हणजे बैग मध्ये मार्जिन किती? इन सेंस लिनो बैग आणि पीपी बैग मध्ये मार्जिन तशी सेम असते, मार्जिन सेम ही रहती है। सिर्फ उसको जो बनाने का रॉ मटेरियल का जो खर्चा है, रॉ मटेरियल के रेट में सिर्फ उसका डिफरेंस आता है। क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस इसकी लिनो बैग की अगर 9 रुपीज है तो उसकी भी 7-8 रुपीज तक सेलिंग प्राइस रहती है। तो इसलिए मार्जिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उसकी सेम ही आती है। जो अपना
पचास केजी का 7-8 रुपए चालू है ना सर? अभी वो कैसे कि क्वालिटी के हिसाब से भी रहता है। अभी मैंने आपको ये जो बैग दिखाई जो आपने मशीन पे निकली है, ये अभी ये जो एक मिनट लिनो बैग है, कितना परसेंटेज वाला है? अभी ये ग्रामेज में आता है, तो अभी ये ग्रामेज में ये 50 ग्रामेज की बैग है। कितनी ग्रेड आता है सर उसमें? सर 30 से चालू होता है, 30 ग्रामेज, 40 ग्रामेज, 45 ग्रामेज, 50, 55। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की बैग रहती है वो 50 के आगे रहती है, 45-50 के आगे। जो एक्सपोर्ट नासिक में कौन सा चलता है मैडम अभी? सर नासिक कैसे है कि वो फिक्स नहीं बता सकते अभी, वो जैसे सामने आपका कस्टमर होगा उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको अगर चाहिए तो वो 30 की भी मांगेगा या फिर 40 या 55। जो एक्सपोर्ट के लिए लगती है वो 50 के आगे ही लगती है, 50 ग्रामेज या फिर 55 ग्रामेज। जो ऑनियन के लिए अभी लगती है जिसमें कि अभी कैबेज मतलब वो गोभी भी जाती है, कभी मक्का भी जाता है, ऑनियन भी जाता है, तो उसके हिसाब से सामने जो कस्टमर की आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको सामने बैग देना पड़ेगा। इसमें जूट भी बनता है क्या? जूट वाला जो बैग होता है वो भी होता नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, इसमें ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है जो इसमें आपको सिर्फ लिनो और पीपी ये दोनों ही बैग निकलेंगी। जूट मशीन का अलग प्रोसेस रहता है, जूट मशीन के लिए आपको जैसे कि कटिंग मशीन अलग आता है और उसका सीविंग मशीन मैन्युअली अलग आता है, तो ये दोनों भी मशीन आपके अलग आते हैं। इसमें सिर्फ आपका पीपी और लिनो ये दोनों ही होंगे। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का अपने को बैग बनाने का वो क्या किलो वेटिंग मिलेगा? कौन सा सर? लिनो का? लिनो 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 का सर अभी मैंने जो आपको ये दिखाई तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की लिनो की बैग है ये वाला। अच्छा जो अच्छा। हम पैक के लिए वगैरह बाहर एक्सपोर्ट के लिए यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए 50-55 ग्राम की बैग ही लगती है जो ये आपके सामने। अपना एक क्वेश्चन है कितने क्या किलो मिले हैं सर? अभी इसका रेट आपको 170-175 ऐसा जाएगा। अच्छा जो शालीमार है आपका नासिक का मालूम है आपको? हाँ मालूम है सर। वो क्वालिटी का माल मिलेगा आपको उसमें? क्वालिटी का क्या सर? जो शालीमार वाला बनाता है ना लिनो बैग? हाँ 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 हाँ। तो वैसी क्वालिटी का मिलेगा अपने? हाँ मिलेगा सर। एक्चुअली क्या रहता है सर, बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग बहुत रहते हैं लेकिन रॉ मटेरियल का जो ग्रेड रहता है वो एक ही रहता है। अभी शालीमार वाले अगर 50 ग्रामेज की बैग बना सकते हैं तो वो आपके यहाँ भी बनेगी, आप वैसी ही क्वालिटी रहेगी। अच्छा वो जो है ना हम जो एक मौसम्बी का है हमारा? हाँ हाँ। वो 50 ग्राम का ही बैग देता है? अच्छा नहीं चलेगा ना सर, वो 50 ग्रामेज बैग मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी की बैग रहती है तो मौसम्बी के लिए आप ऐसी बैग भी यूज कर सकते जी। चले ओवरली कितना प्रोडक्शन निकलता है मैम? सर अभी मशीन में कैसे कि पर मिनट के लिए 30 बैग्स प्रोडक्शन का उसको स्पीड है लेकिन ऑन एन एवरेज 25 बैग्स भी पकड़े हमने, तो 25 बैग्स में आपने 10 आवर के लिए मशीन रन किया तो 15,000 बैग्स आपका एक दिन में प्रोडक्शन निकलेगा। 15,000। ओके ओके और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट मशीन के बारे में? मैडम वो कैलकुलेशन कर रहा था मैं वो हाँ आपने 160 का रेट बताया तो एक हाँ? किलो में लगभग 50 बैग निकलते हैं ना? नहीं नहीं अभी एक केजी का मटेरियल हम अगर पकड़ेंगे, रेट आपको 160 का लेना है उसमें हाँ? आप अगर एक केजी मतलब 40 ग्राम की बैग पकड़िए, 40 ग्राम एज की जो आपने अभी मैंने आपको दिखाया ये जो बैग है ये अभी 50 ग्राम एज की है ये वाली जो हम जिसका हमने प्रोडक्शन निकाला है, तो आपने 40 ग्रामेज की बैग पकड़ी तो वो 50 केजी के साइज के हिसाब से एक केजी में आपको 25 बैग आएंगे, एक केजी मटेरियल में 25 बैग मैन्युफैक्चरिंग होगी 50 केजी के वेट वाली बैग मतलब 6 रुपए के आसपास जाता है ना वो? हाँ अभी आप कैसे कि अभी आप कैसे है कि आप मीडिया वालों को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन का पूरा शीट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें आपको बराबर से सब हिसाब प्रॉफिट कैसे रहेगा
आपका बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह कैसे जाएगा क्या, वो सब वहाँ पे कैलकुलेशन दिया है, वो देंगे आपको। नहीं मैडम, यहाँ पे आपने जो बोला ना उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन निकाला तो 6.4 आ रहा है एक बैग। सही है, सही। हाँ, बराबर है। तो अब कैसा है क्या एक सर 6.4 में अभी आप अगर एक बैग का और कैलकुलेशन करेंगे तो एक बैग में आपको 0.25 पैसे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट अलग रहेगा, जो कि जग है, लेबर है, लाइट है, वो सब आपको वो कैलकुलेशन रहेगा। मतलब आप अगर देखेंगे तो आप सेलिंग प्राइस अगर आपने 9 रुपीज भी दी वो बैग की, तो आपको 2.5 रुपए तक प्रॉफिट लेवल बराबर उसका आता है। अच्छा अच्छा, वो आपका मीडिया वालों को कांटेक्ट करेंगे ना, मैं आपको डिटेल में वो आपको सारा कैलकुलेशन का शीट देंगे, उसमें आपको सब मतलब जो भी कैलकुलेशन है वो समझ में आ जाएगा, इन डिटेल रहेगा वहाँ। मैडम हाँ, हेलो, भूल गए मैडम थोड़ा। हेलो मैडम। हाँ, आपने औरंगाबाद में कोई प्लांट सप्लाई किया है क्या? नहीं सर, अभी तक वहां तक तो नहीं गया, लेकिन महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, साउथ में भी है अपने प्लांट्स वगैरह। आज जब कंपनी में आएंगे तब आपको लाइव डेमो भी देखने को मिल जाएगा, पूरा मशीन का वर्किंग वगैरह कैसा है क्या, सारी डिटेल्स, ये जो सारी डिटेल्स है ये भी आपको तब भी सामने लाइव बताई जाएंगे मशीन के साथ। नासिक में कितने सप्लाई किया है सर? नासिक में किया है हमने, 3-4 जगह पे किया है। कंपनी का नाम क्या था मैडम, मैं भूल गया? प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी सर। आप मीडिया वालों को कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको जी जी। सारी हमारी डिटेल्स भी देंगे, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे। हाँ हाँ हाँ, सातपुर MIDC ना? ओके हाँ ठीक है, ओके। मैडम जी हाँ, ये मशीन कितना बिजली लेता है सर? अभी इसको पूरा आपको ये जो बेसिक सेटअप लगाना होगा, जैसे कि मैनुअल मशीन, 5 HP कंप्रेसर, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, तो इसके लिए आपको पूरा 15 HP पावर लगेगा पूरे यूनिट के लिए, 15 HP। ओके मैडम। ये सभी आप सभी के कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे या वेबसाइट पे विजिट करके आप बता सकते हो आपके डाउट्स, और आपको ये इनका नंबर शेयर किया जाएगा, इनकी कंपनी के डिटेल्स दी जाएंगे और आपके बाकी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। फिर आपको कोई भी मशीन डेमो रहे या मशीन रिक्वायरमेंट रहे कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें मैनुअल मशीन भी आता है ना, एक कटिंग का रहता है और स्टिचिंग करते हैं? हाँ सर, मैनुअल का मशीन कैसे है वो अपने यहाँ पे नहीं, अपने यहाँ पे कैसे सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। और मैनुअल मशीन में कैसे रहता है कि आपको उतनी मैन पावर उसको लगानी पड़ती है, तो उसको कॉस्ट पे आपका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अभी आपने वो कटिंग मशीन लगाया तो उसको आपको 3 आदमी लगेंगे, मैनुअल मशीन सीविंग मशीन रहेगा तो वो आपको 1 लगा के नहीं चलेगा, वो आपको 3-4 लगाने पड़ेंगे। एक मैनुअल मशीन के लिए 2 लेबर लगते, इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 9-10 लेबर आपको वही पे उस सेटअप के लिए सिर्फ लग जाते हैं। और अपने मशीन के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको एक दो आदमी मशीन के लिए बहुत होते हैं कि जो एक बैग वगैरह देखेगा, कलेक्ट करेगा और एक बाकी मशीन पे ध्यान रखेगा। और मैम यस, हेलो एवरीवन, आप अभी फिलहाल आपके जो भी क्वेश्चंस है ना ये आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या वेबसाइट पे डाल दीजिए, आपको मैम का नंबर शेयर किया जाएगा, उनसे फिर आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल तो ये वेबिनार यही पे हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन, जस्ट कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे नंबर पे, सेम नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। मैम एक क्वेश्चन था लोन के बारे में। यस, लोन के रिगार्डिंग आप कॉन्टेक्ट कीजिए सेम नंबर पे, आपको बताया जाएगा पूरी डिटेल्स। आप मीडिया वालों को कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको सारी डिटेल्स वो देंगे, सारी सब मतलब डिटेल्स मशीन के बारे में। नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए आपकी क्लियर। एवरीवन यही पे हम लोग वेबिनार स्टॉप कर रहे हैं।